Welcome dear students, how are you? I hope you all are happy in enjoying the online classes. I appreciated all the students who are playing an active role in online classes. Before start today topics, I request all the parents to sit with their children and help them understand the video properly. Myself Sonal Tandil from video Vidyalaya. So children, let's start. This is your 3K book. So GK means GK means journal knowledge. So start, children. We will not see the index, which is given in the unit. Continue. So today lesson next sports and entertainment. Film time.

देखते ही दिल को छू जाती है हमें बहुत पसंद आती है और हमें हम उस मूवी को याद रखते हैं तो आइए आज हम कुछ ऐसे ही मूवी के बारे में जानते हैं डू यू नो विच मूवी इज रीड द क्ल्यू एंड कंप्लीट द नेम के हमें क्ल्यू दिया गया है उसमें से मूवी का नेम यहाँ पे लिखना है सो स्टार्ट स्टूडेंट फर्स्ट दिस मूवी सीरियल इज बेस्ड ऑन अ बुक बाय जे जे के रोलिंग एंड इज़ अबाउट द लाइफ ऑफ अ यंग विजर सो ये जो मूवी है वो किस बुक के बेस पर है बुक बाय जे के बुक बाय जेके रोलिंग ये मूवी जो जेके रोलिंग के बेस पर है और एक युवा जादू के जीवन पर जीवन के बारे में है एक युवा जादू घर के जीवन के बारे में ये मूवी है तो हम क्या कह सकते हैं ये कौन सी मूवी होगी सो चिल्ड्रंस व्हाट इज़ अ मूवी सो दिस मूवी इज हैरी पॉटर दिस मूवी इज हैरी पॉटर हम लिखते हैं आंसर हैरी पॉटर स्पेलिंग हैरी एच ए आर आर वाई हैरी पी ओ डबल टी ई आर पॉटर हैरी पॉटर This movie is Harry Potter. So second one, this is an animated movie about a क्लाउन फिज journey to bring his son back home हम so, सो यहाँ पे हमको क्या क्ल्यू दिया गया है कि ये जो मूवी है वो उसके बेटे को घर वापस लाने के लिए एक क्लाउन फिज की यात्रा के बारे में एनिमेटेड फिल्म है तो व्हाट इज मूवी सो चिल्ड्रन दिस मूवी नेम इज फिंडिंग नेमो दिस मूवी नेम इज़ इजीडिंग नेमो के हमें ये मूवी के बारे में क्या कहा गया है के यह ऐसी मूवी है कि इसमें जो फिश है वो फिश अपने बेटे को घर वापस लाने के लिए मूवी है सो दिस मूवी नेम इज़ फिंडिंग नेमो फिंडिंग स्पेलिंग एफ आई एन डी आई एन सी फिंडिंग एन ई एम ओ नेमो सो थर्ड वन दिस इज अ साइंस फिक्शन मूवी अबाउट अ पैराप्लाजिक प्लॉजिक मैरिज सो यह एक साइंस फिक्शन फ़िल्म है कैसी फिल्म है साइंस फिक्शन फ़िल्म है जो एक पैरापैलिक समुद्र के बारे में है ये एक साइंस फिक्शन फ़िल्म है वो एक पैरापैलिक समुद्र के बारे में है सो चिल्ड्रन व्हाट इज़ अ मूवी व्हाट इज़ अ मूवी दिस मूवी नेम so children this movie name is avatar this movie name is avatar so children avatar spelling a v a t a r avatar next fourth one this movie is about an 8 years old boy केविन्स मूव टू टेकल थिविज अलोन वैन हिज फैमिली प्रोसीड फॉर अ हॉलीडे एंड एक्सीडेंटली लिवस हिम बैक सो हिज मूवीज अबाउट एन एट ईयर्स ओल्ड बॉय केविन्स। के ये जो फिल्म है वह आठ साल के लड़के केविन के अकेले के बारे में है मूव टू टेकल थिवस अलॉन वैन हिज फैमिली प्रोसेट फॉर अ हॉलिडे एंड एक्सीडेंटली लिव्स हिम बैक के ये फिल्म हमने कहा कि आठ साल के लड़के केविन के अकेले चारों से निपटने के कदम के बारे में है जब उसका परिवार छुट्टी के लिए आगे बढ़ता है और गलती से उसे वापस छोड़ देता है सो चिल्ड्रन दिस मूवी नेम इज होम अलोन Home Alone. Home spelling H O M E. Alone spelling A L O N E. This movie name is Home Alone. Children, next. This is an American Epic Space movie series. So, this is an American Epic Space. K yeah Ek American Mahakavya. Epic means Mahakavya. And फिल्मों की श्रृंखला है अंतरिक्ष स्पेस मीन्स अंतरिक्ष फिल्मों की श्रृंखला है सो चिल्ड्रंस वॉट इज मूवी मूवी सो द नेम इज स्टार वर्स द मूवी नेम इज स्टार वर्स हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं स्टार वर्स स्टार स्पेलिंग एस टी ए आर स्टार वर्स स्पेलिंग डब्ल्यू ए आर एस नेक्स्ट चिल्ड्रन सिक्स वंथ दिस मूवी इज अबाउट एन एलियन हु इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन अर्थ एंड सेव्ड बाय चिल्ड्रन हु देन फॉर्म एन इमोशनल बॉन्ड विद धर न्यू फ्रेंड के हमें यहाँ पर क्या क्लू दिया गया है कि ये जो फिल्म है वो एक एलियन के बारे में है हम यहाँ पे एलियन देख सकते हैं ये फिल्म एक एलियन के बारे में है जो पृथ्वी पर पीछे रह जाता है एलियन पृथ्वी पे पीछे रह जाता है और उन बच्चों द्वारा बचा लिया जाता है कुछ बच्चों द्वारा एलियन को बचा लिया जाता है जो तब अपने नए दोस्त के साथ एक भावात्मक बंधन बनाते हैं और जो बच्चे होते हैं जो चिल्ड्रंस हैं वो एलियन के साथ फ्रेंडशिप करते हैं वो जो एलियन है उसका सब बच्चों का न्यू फ्रेंड है सो दिस मूवी नेम इज द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल द एक्स्ट्रा टरेस्ट्रियल सो चिल्ड्रन नेक्स्ट सेवन

जो राजा है ये जंगली जानवर है और वो एक राजा है किंग मींस राजा और कैसे उसका बेटा अपने दोस्तों की मदद से अपने क्रूर चाचा से अपने क्रूर चाचा से अपनी मातृभूमि वापस लेने के लिए एक वयस्क के रूप में लौटता है हम यहाँ पे ये पिक्चर देख सकते हैं दिस मूवीज अबाउट अ वाइल्ड पेस के एक जानवरों के बारे में है हु इज द किंग एंड हाउ इज सन रिटर्न एज एडल्ट टू टेक बैक हिज होमलैंड होमलैंड मीन्स मातृभूमि फ्रॉम हिज क्रूअल अंकल क्रूअल अंकल मीन्स क्रूर चाचा क्रूअल अंकल मीन्स क्रूर चाचा विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड के उसके जो दोस्तों के साथ उसके जो क्रूर अंकल है चाचा है उससे अपनी मातृभूमि वापस लेने के लिए एक वयस्क के रूप में लौटता है सो चिल्ड्रन दिस मूवी नेम इज द लायन किंग दिस मूवी नेम इज द लायन किंग द लायन स्पेलिंग एल आई ओ एन लायन के आई एन जी किंग द लायन किंग नेक्स्ट वन एट दिस मूवी इज़ अबाउट अ फैमिली हु लिव इन लंडन एंड हाव द चिल्ड्रंस नैनी चेंज द एंटायर सिचुएसन एट होम एंड सॉल्व ऑल देर प्रॉब्लम्स कि ये जो फिल्म है कि एक ऐसे परिवार के बारे में है जो लंडन में रहता था और कैसे बच्चों की नानी ने घर की पूरी स्थिति को बदल दिया और उनकी सभी समस्याओं को हल कर दिया सो दिस इज अ पिक्चर हम यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं सो दिस मूवी नेम इज़ मैरी पॉपिंस दिस मूवी नेम इज मैरी पॉपिंस दिस मूवी मैरी पॉपिंस सो चिल्ड्रंस हमने बहुत सारी मूवीज के बारे में चाना के जो ऐसी बहुत मूवीज़ है जिसका क्लू हमें यहाँ पे दिया गया है और क्लू के थ्रू हमने उसका आंसर लिख दिया सो चिल्ड्रन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हियर सो यू विल राइट दिस यूनिट इन योर नोटबुक थैंक यू स्टूडेंट्स